इसको जो है ना हम लोग पब्लिक की तरह से यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक के अंदर कोई फोल्डर भी अज्यूम कर सकते हैं, जैसे पब्लिक स्लैश स्टूडेंट, ठीक है। हम चाहते हैं पब्लिक फोल्डर बने, उसके अंदर में स्टूडेंट के पास आए। ये एक्चुअल में ये जो इसके पास है ये पाथ है, इसके पास क्या है, पाथ है। अगर फाइल का नाम आपको स्टोर करना है तो आपको यूज़ करना होगा फाइल नेम वेरिएबल, मान लो यूज़ कर लिया डॉलर रिक्वेस्ट एरो और उसके बाद फाइल, फाइल भी जा सकते हैं। देखिए मैंने एक जगह ऑनलाइन देखा था, कहाँ गया, गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम करके है ना, यहाँ पे फंक्शन होता है, उसको हम लोग लगा सकते हैं। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम देख रहे हैं आप, तो इससे आप है ना ये फाइल का नाम आप निकाल सकते हैं खाली। तो यहाँ पे फाइल और उसके बाद ये इमेज और उसके एरो गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, ये फंक्शन चला देना है, गेट क्लाइंट्स ओरिजिनल नेम, ये फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो उस नाम को आप यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं, और ये पाथ है बेसिकली जिसमें से पाथ ऐड होता है। तो हमको बेसिकली पाथ चाहिए नहीं, हमको फाइल का नाम चाहिए, तो हम इसलिए फाइल नेम पे फोकस कर रहे हैं ताकि हम उसी को इंसर्ट कर सकें। दोबारा से सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये जो फाइल का नाम है वो आ गया, ठीक है। अब इसी फाइल के नाम को हमको डेटाबेस में भी स्टोर करना है, ठीक है। और हम जो मेरा जो स्टोरेज हो रहा है वो हो रहा है इंक्रिप्टेड नेम के साथ, तो हम इसको करेंगे स्टोर एज, और यहाँ पे स्टोर करने के अलावा हम इसका फाइल नेम भी बता देंगे कि मेरा ओरिजिनल नाम जो फाइल का है वही रहे। तो हम इसको दोबारा से सबमिट करके देखते हैं, डी एन डी कहाँ पे है, हाँ इमेज अपलोड कर, तो देखिए यहाँ पर कि ओरिजिनल नाम से अपलोड हुआ या नहीं है, स्टोरेज ऐप और ओरिजिनल नाम पब्लिक के अंदर में स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर में ये देखो ओरिजिनल नाम से भी अपलोड हो गया। तो ये लिंक का जो प्रोसेस है ये सब फाइल डिलीट मार देगा हम, तो जो ओरिजिनल नाम है मेरे फाइल का उसी नाम से हम इसको ऐड कर रहे हैं, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद ये फाइल काम भी कर रहा है। तो सारा पाथ लगभग लगभग हो गया कंप्लीट। अब हम लोग इसको दोबारा से लिंक करेंगे, क्यों, क्योंकि कुछ फोल्डर्स नए बन गए हैं, उसको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है सब कुछ, अब आउटपुट देखते हैं कैसे करना है। तो हम लोग यहाँ पर फिलहाल सर्व करेंगे, और जहाँ पे मुझे आउटपुट दिखाना है जैसे यहाँ पे दिखाना है, तो हम आगे में ध्यान रखेंगे कि उस फोल्डर्स के नाम आने चाहिए, जैसे पब्लिक स्लैश स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हाँ ठीक है स्लैश, तो ये आगे ऐड हो जाना चाहिए, इसलिए हम इसको इंसर्ट करा दे रहे हैं। और जब हम व्यू करने जाएंगे सबसे आखिरी वाला डेटा ये वाला, इसको व्यू करेंगे तो मुझे यहाँ अभी भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसका पाथ पूरा कर लूँगा क्योंकि नाम सही आ गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्लैश स्टोर के बाद फाइल का नाम ही नहीं आ रहा, मतलब डेटाबेस में स्टोर नहीं हुआ, होना तो चाहिए था। यहाँ से आईडी और इसको दोबारा से सबसे हाई इंक्रीमेंट करते हैं, हाँ यहाँ तो नाम आया है, 1022 नंबर, 1022 नंबर पे भी हैं हम, लेकिन यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह होगी शायद ये कॉमा, हाँ प्लस का साइन लगेगा, ये डॉट का साइन लगेगा कॉन्कैटिनेशन के लिए, तब देखते हैं। तो नाम तो इमेज का आ गया है बट ये पाथ अभी सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये पाथ अभी नॉट फाउंड है, इसकी वजह होगी शायद पब्लिक नहीं लगाना आगे, स्टूडेंट स्लैश मुझे चेक करना पड़ेगा, ये स्टोरेज के अंदर है तो पब्लिक की जगह स्टोरेज लिखना होगा, स्टोरेज स्लैश स्टूडेंट्स नहीं कि स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट। अब देखिए हो गया, आ गया, तो ये इमेज का फाइल आ गया है, इसका साइज़ अब छोटा बड़ा करना वो आपके हाथ में है, आप विथ हाइट से इसको बता दीजिए 50 पिक्सल का ही रहे, और हाइट में भी बता दीजिए कि ऑटो रहे, जो भी इसका विथ हाइट है उसके अनुसार, तो जो भी साइज़ आप डिफाइन करेंगे उसी हिसाब से रहेगा। और इसका जो कॉल एलजी 2 है इसको 1 कर सकते हैं हम ताकि ये अंदर आ जाए, ठीक है, अंदर आ गया, और यहाँ से यहाँ तक हम खाली कर सकते हैं, यानी इसका रो स्पैन कर सकते हैं, रो स्पैन 3, तो फिर आपको ये एक एक छोड़ना पड़ेगा सबका कॉल स्पैन, यहाँ का और यहाँ का, इससे क्या होगा वो एरिया बटन, ये एरिया इमेज के लिए आ गया, ठीक है, एक और छोड़ना होगा शायद, नहीं ठीक है 3 लिखा हुआ है इसको 4 का, 1 2 3 4 करना पड़ेगा, अब ये पूरा डब्बा फुल हो गया। तो अब इसका 50 width की जगह 100% लगा के देखें, ये तो शायद ओवरलैप कर रहा, नहीं थोड़ा सा कम करना पड़ेगा 50%, तो जो इमेज होगा स्टूडेंट का वो यहाँ आ जाएगा, वो हम अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, पिक्सल में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 100 पिक्सल, तो इमेज अपनी जगह सटीक आएगा।
तो यहाँ पे अभी हम लोग का इंसर्ट करने का इमेज इंसर्ट करने का काम पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।